दोस्तों आपने लास्ट वीक का मंडे नाइट रॉ तो देखा ही होगा, जहां पर सेथ रॉलिंस ने अपनी चैंपियनशिप को जिंदर महाल के अगेंस्ट सक्सेसफुली रिटेन करने में सफल हुए थे। लेकिन उसी मैच के दौरान दोस्तों जब सेथ रॉलिंस ने डाइव मारी थी ना, तो उसी टाइम से उनके नी में कहीं ना कहीं तो चोट लगी थी, जिसके वजह से आपने मैच में नोटिस किया होगा कि वो नॉर्मल तरीके से चल भी नहीं पा रहे थे। और उसी के थोड़ी देर बाद दोस्तों इनको लेकर रिपोर्ट भी आ जाती है कि सेथ रॉलिंस की नी में इंजरी हो गई है। और भाई ये चीज क्लियर बताया ही नहीं गया कि आखिर इनके नी में एग्जैक्टली हुआ क्या है। और अब दोस्तों रिसेंट में एक और रिपोर्ट आती है इनको लेकर इनसाइडर की तरफ से, जहां पर ये बताया गया है ना कि एक लाइव इवेंट में सेथ रॉलिंस को एडवर्टाइज किया गया था, लेकिन दोस्तों इनकी कंडीशन इस वक्त ठीक नहीं है और इसलिए इनके जगह पर रैंडी ऑर्टन को अब रिप्लेस कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, और अभी भी दोस्तों इनकी नी को लेकर कोई भी क्लियर रिपोर्ट नहीं आई है जहां पर इनकी इंजरी से रिलेटेड कोई रिपोर्ट पता चले। और वैसे भी दोस्तों रॉयल नंबर रोड टू लाइन में है और फिर रेसलमेनिया है, और इस वक्त दोस्तों होप बस यही करते हैं कि सेथ रॉलिंस जल्द से जल्द अपनी इंजरी से रिकवर हो। और वैसे भी दोस्तों अगर इनको लेकर आगे कोई और अपडेट्स आती भी हैं तो आपको तो इस चैनल पर अपडेट तो मिली जाएगी। और अब दोस्तों हम बात करते हैं लास्ट नाइट स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के बारे में। तो भाई लास्ट नाइट का स्मैकडाउन तो काफी तगड़ा था, जहां पर हमको फैटल फोर वे के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट देखने को मिला था। और भाई इसको डब्ल्यू काफी यूनिक तरीके से प्लान भी की हुई थी। खैर दोस्तों लास्ट वीक स्मैकडाउन की अगर बात करें तो इसकी व्यूअरशिप 2.267 मिलियन की थी, और लास्ट नाइट ये व्यूअरशिप थोड़ी सी बस इंक्रीज हुई है 2-3%। और लास्ट नाइट स्मैकडाउन ने 2.329 मिलियन की व्यूअरशिप जनरेट की है, जो कि काफी तगड़ा नंबर है। और वैसे भी दोस्तों स्मैकडाउन की व्यूअरशिप ज्यादातर 2 मिलियन के अबव ही रहती है, तो इसमें ज्यादा कुछ बताने वाली बात ही नहीं है। हाँ तो भाई फाइनली रोमन रेंज ने एक और माइलस्टोन को पार कर लिया, और इन्होंने भाई 47 साल पुराने एक बड़े रिकॉर्ड को ब्रेक किया इस बार। जी हाँ दोस्तों दरअसल इस वक्त रोमन रेंज का जो रेन है ना वो 1238 दिनों से ज्यादा का हो रहा है, और इसको पूरा करने के बाद दोस्तों रोमन रेंज अब लॉन्गेस्ट टाइटल लेंगे हिस्ट्री में 4th नंबर पर आ गए, क्योंकि इससे पहले ये स्पॉट ब्रूनो सामार्टिनो के नाम था जो कि 1237 दिनों का था। और अब दोस्तों रोमन रेंज ने इस स्पॉट को भी अपने नाम कर लिया है, और ये अभी इस लिस्ट में 4th पोजीशन पर अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। और अगर दोस्तों ऐसे ही चलता रहा ना तो भाई ये बहुत जल्दी हल्क होगन के भी रिकॉर्ड को ब्रेक कर लेंगे, जो कि काफी बड़ी बात होगी तब। लेकिन दोस्तों इससे पहले इनको पहले अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करना होगा रॉयल नंबर और फिर रेसलमेनिया में। और अब दोस्तों हम इसी चीज पर बात करने वाले हैं। तो भाई लेटेस्ट बेटिंग आउट के हिसाब से देखा जाए तो रोमन ने बहुत ही आराम से अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करने वाले हैं रॉयल नंबर में। और रही बात दोस्तों अब रेसलमेनिया की ना, तो भाई यहां पर तो आपको कुछ ट्विस्ट देखने को मिलने वाले। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस समय ये रूमर्स फैला हुआ है ना कि पॉसिबली रोमन ने अपनी चैंपियनशिप को रेसलमेनिया में ट्रिपल थ्रेट मैच में डिफेंड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और भाई इस चीज पर लास्ट नाइट स्मैकडाउन के ऑफ एयर होने के बाद कोडी रोड भी डार्क मैच का पार्ट थे, और मैच के बाद दोस्तों इन्होंने प्रोमो भी किया था जहां पर इन्होंने इसी रूमर्स को भी लेकर बात की थी कि इनको अभी पता है कि क्या रूमर इस वक्त चल रहा है और क्या हो सकता है। लेकिन दोस्तों इस वक्त इनका एक ही मकसद है, और ये रॉयल नंबर को जीतकर रोमन रेंज को डिथ्रोन करना रेसलमेनिया में। तो भाई रॉयल नंबर तो एक ही बंदा जीत सकता है, दो तो हो नहीं सकता। और बेटिंग आउट के हिसाब से तो भाई सीएम पंक अभी भी क्लियर फेवरेट माने जा रहे हैं इसको जीतने के लिए, और सेकंड फेवरेट कोडी रोड है। तो भाई इस वक्त चीजें काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और वैसे भी दोस्तों कुछ टाइम पहले जेरो न्यूज ने भी एक ट्वीट किया था कि हर एक 10 साल में 10वां रेसलमेनिया का जो मैच हुआ ना वो ट्रिपल थ्रेट देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों रेसलमेनिया 20 में ये मैच हुआ था, और फिर रेसलमेनिया 30 में ये वाला, और अब दोस्तों रेसलमेनिया 40 है। तो भाई मान सकते हैं कि पॉसिबली हमको रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप को द रॉक और कोडी और दोनों लोग के साथ डिफेंड करते हुए दिख सकते हैं। और इस चीज पर दोस्तों रॉक को भी फायदा होगा, क्योंकि ट्रिपल थ्रेट होने की वजह से ना उनके इंजरी के चांसेस भी कम हो जाएंगी और इनका मैच भी रोमन रेंस के साथ हो जाएगा। तो दोस्तों इस वक्त यही चीजें चल रही बस। और अब दोस्तों ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई इस आइडिया के साथ जाती भी है या नहीं। वैसे दोस्तों इसके चांसेस थोड़े थोड़े लग रहे हैं कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। वैसे दोस्तों आपका इस पर क्या ओपिनियन है हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई की इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें।